दुनिया की 10 सबसे खतरनाक नौकरियां टॉप 10 मोस्ट डेडली जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं। जब धरती पर लगभग 5 अरब नौकरियां उपलब्ध हैं, फिर भी कुछ जाबाज लोग इतनी नौकरियां होने के बावजूद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक नौकरियों को चुनते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसी खतरनाक जॉब्स के बारे में जिन्हें करने से जान भी जा सकती है, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। नंबर 10, डीप सी वेल्डर्स। क्या आपने कभी पानी में अपनी सांस 2 मिनट तक रोकने की कोशिश की है? नहीं भी की तो कोई बात नहीं, क्योंकि शायद ये सीखना आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उतनी मदद ना करे, पर ये डीप सी डाइवर्स के लिए जरूरी हो सकता है। डीप सी डाइवर्स समुद्र के गहरे पानी में उतरकर टूटे हुए पाइपलाइंस और जहाजों के पावर स्टेशंस को ठीक करते हैं। ये जॉब दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक प्रोफेशंस में गिना जाता है, क्योंकि इसमें जान जाने का खतरा बना रहता है। ये डाइवर्स न सिर्फ अपने काम में माहिर होते हैं, बल्कि उन तंग जगहों पर भी जाते हैं जहां रोबोट्स तक का जाना मुश्किल होता है। और इनके साथ साथ पानी का दबाव, गैस पॉइजनिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण इनकी तबीयत बहुत खराब हो सकती है। हालांकि अपनी जान को जोखिम में डालना इनके लिए एक अच्छी सैलरी के रास्ते खोल देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डाइवर्स दिन के लगभग 1 लाख तक कमा सकते हैं। खैर, जीवन तो अनमोल है, उसके लिए करोड़ों भी दिए जाए तो कम है। फैक्ट नंबर 9, हनी हंटर्स। मधुमक्खी के छत्ते दिखने में जितने डरावने होते हैं, उतनी मधुमक्खियां उतनी ही आक्रामक होती हैं, पर ये हनी हंटर्स भी कुछ कम नहीं होते। तभी तो मीठे स्वादिष्ट हनी हमारे घर के किचन तक पहुंच पाती है। ये खतरनाक काम करीबन 8000 साल पहले से किया जा रहा है। एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जनजातियां प्राचीन काल से ये काम करती आ रही हैं। कभी कभी तो इन्हें शहद पाने के लिए हिमालय जितनी ऊंची पहाड़ियों तक जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की बड़ी मधुमक्खियों का शहद 6 गुना ज्यादा कीमत पर बिकता है। इतनी ऊंचाई पर मधुमक्खी के डंक के साथ साथ नीचे गिरने का खतरा भी बना रहता है, जिससे इन हनी हंटर्स की जान भी जा सकती है। हालांकि ये हनी हंटर्स धुएं का इस्तेमाल कर मधुमक्खियों को दूर कर देते हैं, और फिर भी इससे इनका काम कम खतरनाक नहीं हो पाता। शहद के लिए इतनी इनकी शिद्दत देखकर इसके मिठास और भी बढ़ जाती है। नंबर 8, स्काई काउबॉयज। आपने काउबॉयज के बारे में तो सुना होगा और पायलट्स के बारे में भी, पर क्या आपने इस अजीब काम के बारे में सुना है? स्काई काउबॉयज दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक काम करते हैं। हजारों की तादाद में मौजूद गायों को चराने में महीने लग जाते हैं, पर ये ऑस्ट्रेलियन काउबॉयज आधुनिक टेक्निक और स्किल्स की मदद से ये काम कुछ दिनों में कर दिखाते हैं। हालांकि इस सुविधा के लिए इन काउबॉयज को बहुत खतरा उठाना पड़ता है। जमीन से इतनी नजदीकी पर हेलीकॉप्टर उड़ाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इंजन में गड़बड़ी हो सकती है और थोड़ी सी भी भूल होने पर आप सीधा जमीन से टकरा सकते हैं। इसके कारण पायलट्स की जान पर बनी रहती है। इसके अलावा आप गायों को संभालने में किसी पेड़ से भी जाकर टकरा सकते हैं। इतने खतरों के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि ये जो काम मजेदार तो है, और इसे करने के लिए काउबॉयज को साल के 3 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। नंबर 7, शिप ब्रेकर्स। क्या आपने कभी सोचा कि बड़े बड़े जहाज जो किसी कारण से बेकार हो जाते हैं, उनका क्या होता है? वो इन शिपयार्ड्स में भेज दिए जाते हैं, जहां मजदूर इन्हें छोटे हिस्से में तोड़कर उनमें काम की स्टील और लोहा अलग कर देते हैं। बांग्लादेश का शिपयार्ड दुनिया के बड़े शिपयार्ड्स में से एक है, जहां लगभग 2 लाख मजदूर इन जगहों के पुर्जे अलग करने का काम करते हैं। हालांकि ये काम जितना जरूरी है, उतना ही खतरनाक भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस काम के दौरान रोज एक वर्कर की मौत होती है और कई मजदूर घायल हो जाते हैं। ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि भारी मेटल्स और स्टील्स के इतने बड़े जहाज को केवल साधारण औजारों से तोड़ा जाता है। इसके साथ ही साथ वहाँ रहने की सुविधाएं भी दयनीय होती हैं। हफ्ते के 6 दिन लगातार काम करने के बावजूद ये मजदूर मुश्किल से महीने के सिर्फ 20,000 कमा पाते हैं। मजबूरी कहें या जरूरत पर, ये सारे मजदूर यकीनन दुनिया की खतरनाक नौकरियों में से एक काम कर रहे हैं। नंबर 6, स्मोक जंपर्स। आसमान में गिरे और खजूर में अटके, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, पर आसमान से कूदे और आग में गिरे, ये सुनकर इंसान घबरा जाता है। स्मोक जंपर्स का काम भी कुछ ऐसा ही होता है। वो आकाश में उड़ते प्लेन से सीधे नीचे लगी आग में कूदते हैं। इसके लिए उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत होना पड़ता है। इन जंपर्स को एक पैराशूट में बंधे पानी और खाने के सामान के साथ जंगलों में लगी भयानक आग के निरीक्षण और शुरुआती बचाव के लिए भेजा जाता है। 1940 में दुनिया को उसके पहले स्मोक जंपर्स मिले। रिफ्यूज रॉबिन्सन एंड अल कूली पूरे फायर डिपार्टमेंट में इन जंपर्स की एक बहुत डिमांड है, पर दुनिया में 500 से भी कम ऐसे लोग हैं जो कि इस काम को करने में सक्षम है। ये जानकर आपने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये काम कितना कठिन है, और इसे करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। नंबर 5, विंड टर्बाइन टेक्नीशियंस। विंड एनर्जी इज ग्रेट, रिन्यूएबल एनर्जी इज आर फेक। इस स्लोगन को कहना आसान हो सकता है, पर निभाना जरा मुश्किल। दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड को देखते हुए लाखों विंड टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। ये आने वाले युग की बहुत बड़ी जरूरत है। हालांकि विंड टर्बाइन को मेंटेन करना बहुत ही जोखिम भरा काम है। विंड टर्बाइन टेक्नीशियंस को देश के ग्रीन एनर्जी को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये प्रोफेशनल्स विंड टर्बाइन और मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करते हैं। इतनी ऊंचाई पर काम करने की वजह से नीचे गिरने का डर बढ़ जाता है। आर्क फ्लैशेस से जलने का खतरा भी बना रहता है। और तो और, हाई पावर ट्रांसफार्मर से निकलती लेजर रेडिएशंस किसी भी इंसान को 2 हिस्सों में बांटने की शक्ति रखती है। ये टेक्नीशियंस अवश्य ही वातावरण के प्रति पूरी तरह से जागरूक है, तभी तो इसके लिए धरती की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। नंबर 4, स्टॉर्म चेजर्स। तूफान के आते ही हम सभी अपने घरों में छिप जाते हैं, पर इन स्टॉर्म चेजर्स की बात ही निराली है। भयानक तूफान का जायजा लेने के लिए ये उसके पीछे निकल पड़ते हैं। मानना पड़ेगा इन साइंटिस्ट की हिम्मत को
को जो तूफान लाखों घर बर्बाद कर देता है। उस तूफान के पीछे साइंटिस्ट अपनी छोटी सी ट्रक लेकर चले जाते हैं। हालांकि इन ट्रक्स में वो सारे तकनीकी उपकरण होते हैं जिनकी मदद से स्टॉर्म से संबंधित जानकारी अथॉरिटीज तक पहुंचाते हैं। ये स्टॉर्म चेजर्स तूफान पर नजर रखने के लिए शहर से मीलों दूर सफर करते हैं। कभी कभी तो दूसरे देश की सरहदें भी काम करने से इन्हें रोक नहीं पाती। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सारे स्टॉर्म चेजर्स को तूफान का पीछा करने के लिए सैलरी नहीं मिलती। जी हां दोस्तों, कुछ स्टॉर्म चेजर्स ऐसे भी होते हैं जो इन जानलेवा बवंडर और तूफानों के पीछे अपने शौक से जाते हैं, जिससे वो अपनी आंखों के सामने इस प्रकृति का पता का अनुभव कर सके। सच कहते हैं लोग, शौक भी बड़ी चीज है। नंबर 3, एयरफोर्स पायलट्स। जब जान की बाजी लग रही हो तो हम अपने देश के वायुसेना के जवानों को कैसे भूल सकते हैं। दुश्मन देश पर निगरानी रखनी हो या इलाके का मुआयना करना हो, ये पायलट्स हमारे लिए हर पल अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार रहते हैं। सालों की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के बाद ही किसी व्यक्ति की एयरक्राफ्ट पायलट के तौर पर नियुक्ति होती है। लड़ाकू विमान को उड़ाना किसी भी तरीके से आसान नहीं होता है। हर क्षण हमले के लिए तैयार रहना पड़ता है। दुश्मन देश कभी भी वार कर सकता है। इसके साथ साथ आतंकवादी हमले का खतरा भी बना रहता है। इन सब के बावजूद हमारी सेना के ये जवान पूरे लगन और निष्ठा के साथ देश की सेवा में जुटे रहते हैं। देश के लिए शहीद होना कोई साधारण बात नहीं है। अपने परिवार से दूर रहकर ये बहादुर पायलट हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। क्या आप भी देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं? अगर हाँ तो इस नौकरी को करने का हौसला आप में भी है। नंबर 2, डीप सी फिशरमैन। नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ना भले ही आसान हो सकता है, पर बीच समुद्र में जाकर मछलियों को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं है। डीप सी फिशरमैन, जिसे आप गहरे समुद्र में मछुआरे भी कह सकते हैं, समुद्री लहरों से लड़ते और जूझते हुए ताजी मछलियां पकड़ते हैं। कई देशों के मछुआरे गहरे समुद्र के बीच 20 घंटे से भी ज्यादा की शिफ्ट पर काम करते हैं। कोई भी समुद्री तूफान आपको डुबा ले जा सकता है और आपकी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मछली पकड़ते समय इन समुद्री मछुआरों के मरने की संभावना किसी भी अन्य पेशे से 50 गुना ज्यादा होती है। खैर, अगर पैसे अच्छे मिल रहे हो तो ये जानलेवा काम भी आसान लगने लगता है। डीप सी फिशरमैन 3 महीने में 35 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। नंबर 1, स्नेक वेनम मिल्कर्स। सांप का जहर किसी भी इंसान को मिनटों में मौत के घाट उतार सकता है। इनके जहर को निकालना किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है, किसी न किसी को तो ये काम करना पड़ेगा। स्नेक वेनम मिल्कर्स, इनका काम ही सांप के जहर को निकालना होता है, जिनकी मदद से उसी के जहर का एंटीटोड बनाया जा सके। सांप का जहर निकालना गाय से दूध निकालने जितना आसान काम नहीं होता है। सांप काफी ज्यादा हमलावर प्रगति के होते हैं। हल्की सी गलती और उनका जहर आपके शरीर में होगा। एक छोटे से कमरे या लैब में ये लोग सांपों को पकड़कर उनके जहर को इकट्ठा करते हैं। ऐसे काम करने के लिए यकीनन लोहे का दिल चाहिए। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक जॉब्स कौन सी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।